हेलो गाइस, मैंने अभी एक ट्रेड ओपन किया है जो कि शॉर्ट का ट्रेड है, जो कि लॉस में जा रहा है। ठीक है, ठीक है, लॉस में जाता कोई नहीं, लॉस में जाएगा तो अपने स्टॉप लॉस सब इसको ले लूँगा। तो इसमें बेसिकली मैं स्टॉप है 1.5 ATUSD का और प्रॉफिट मेरा 2.3.16 का। तो बेसिकली 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड है। ये मैं डिमांड एंड सप्लाई बेसिस पे लिया है। यहाँ पे जब मैं देख रहा हूँ अपना ट्रीम व्यूअर पे कुछ ज्यादा वो दिया होता है, टूल्स दिए होते हैं जो कि हमारे MP4 पे नहीं है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे डिमांड का रेज हुआ था हाई। ठीक है, और ये मेरा 4 जून का है। और आज का देखा जाए तो आज का स्टार्टिंग यहाँ पे, तो पहला भी मेरा डिमांड का स्टार्टिंग रेज हुआ था, डिमांड यहाँ पे अगर रुक गया था। तो डिमांड एंड सप्लाई जब मैं चेक कर रहा हूँ तो मेरे यहाँ पे कुछ इंक्रीमेंट दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक देखा जाए तो ये एक लास्ट वीक का मैं देख पा रहा हूँ। लास्ट वीक पे यहाँ पे एक डिमांड सप्लाई का शॉर्ट का रेज हुआ था, तो यहाँ पे इंक्रीज होके डाउन हुआ था, फिर इंक्रीज हुआ, यही पे अगर डाउन हुआ था यहाँ पे अच्छी एंट्री किया जा सकता था, लेकिन मैंने वो मिस कर गया। ठीक है, आज की बात करता हूँ तो मैंने यहाँ पे देखा कि आज का स्टार्टिंग यहाँ हुआ है और यहाँ से मेरा डिमांड रेज हुआ पहला, फिर वापस सप्लाई रेज हुआ, सप्लाई आ गया फिर नीचे। तो मुझे क्या दिख रहा है यहाँ पे कि मेरा पहले ये सेल्स का चल रहा था बहुत बड़ा ट्रेड, ठीक है, जो 11 जून को था। फिर बारह जून को कुछ ज़्यादा मूवमेंट हुआ नहीं, 1 आवर गया ना। हाँ, फिर ये डिमांड का रेज हुआ, फिर सेल हुआ, फिर वापस डिमांड रेज हुआ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये डिमांड का ज़्यादा उठ नहीं रहा, डिमांड आ रहा है लेकिन इसी लेवल पर एक बार रिजेक्ट हो गया, 2 बार रिजेक्ट हो गया। ठीक है, मतलब ये डिमांड रेज हुआ, एक बार रिजेक्ट हो गया, फिर रेज हुआ, फिर रिजेक्ट हो गया। तो मेरे हिसाब से यहाँ फिर रिजेक्ट होना चाहिए। ठीक है, और नहीं हुआ तो फिर हम लॉस लेके निकल ही लेंगे। तो मैंने यहाँ पे एक सिंपल सा एक पुश ड्रॉ किया और मुझे दिखा यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे आपका एक सेल्स का मैंने यहाँ पे डाल दिया और मैंने स्टॉप लॉस लगा दी ऊपर ये कैंडल पे, क्योंकि जो मेरा ये ट्रेंड से पहले का कैंडल था सेल्स का उसके ऊपर मैंने लॉस लगा दिया। और साथ में मुझे स्टोकास्टिक भी बता रहा है कि भाई ये नीचे जाएगा, या डिमांड में बता ही रहा है कि भाई डिमांड रेज हुआ लेकिन रिजेक्ट हो गया, फिर से रिजेक्ट हो गया, तो बार रिजेक्शन दिखाई रहा है डिमांड का इस प्राइस पे, तो मोस्ट प्रोबेबली नीचे जा सकता है। और साथ में स्टोकास्टिक बता रहा है कि नीचे जाएगा, स्टोकास्टिक ऑसिलेटर। ठीक है, तो बस 2 वेरिएंट है। तो मैंने इसी बेसिस पे आपका यहाँ पे जाके यहाँ पे एक शॉर्ट का एंट्री रेज कर दिया और मैंने लॉस लगा दिया यहाँ पे 1.56 पे। इसको तो बड़ा करके दिखाता हूँ यहाँ पे, बिल्कुल कल को ऊपर कर देते हैं 1.5 फिर 1.6 हो रही है, और मैंने यहाँ पे कर दिया इसको सेल सर करके, मैंने यहाँ लिख दिया 1.74। और 1.74 का डबल कितना होता है, 3.48। तो मैं 3.48 का यहाँ पे, मैं यहाँ पे दिख रहा होगा 3.48, 3.48। अगर आप इसी रेट सर्कल लेफ्ट साइड पे देख रहे हो यहाँ पे प्राइस दिख रहा होगा 3.7262, चलो कोई नहीं 4.2 पे ले लेते हैं हम लोग, 3.47 7.2 पे रुकिए, रुक जाओ 3.32 कर लेते, क्या रहता है। तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड मैंने रिस्क टू रिवॉर्ड आपका ये ले लिया 1:2 का बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली। ठीक है, अब मुझे दिख रहा है कि ये लॉस में जा रहा है, जो कि मैं दिख रहा है -2.24 का, मतलब ये वापस डिमांड रेज हो रहा है, लेकिन देख सकते हैं जो होगा, अगर लॉस हुआ तो मैं लॉस लेके निकल लूंगा। मैं तो 5 मिनट टाइम फ्रेम खोल कर देख रहा हूँ, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, ट्रेडिंग में लॉस गेन तो चलता रहता है। तो ये है मेरा आज का ट्रेडिंग।
-22, पहले ये प्रॉफिट में था अराउंड 56 सेंट का, लेकिन फिर लॉस होना शुरू हो गया। ठीक है, लॉस हुआ तो लॉस में बंद कर देंगे। अब देखते हैं इस ट्रेडिंग का क्या स्टेटस होता है, लास्ट बताऊंगा आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में।